बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक खैरियत से? तो कल का वर्ड, कल का हर्फ, कल का सबक याद किया था ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो, हमेशा अपना सबक याद करते हो। तो पढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज हमने पढ़ना है उर्दू का अगला हर्फ रे। ये इसकी शक्ल है, ये भी रे की तरह होता है, रे ही होता है। इसके ऊपर छोटी तोई लगाने से ये रे बन जाता है। तो रे से अभी तक हमने पढ़ा है कि कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, बहुत से लफ्ज़ों के बीच में या आखिर में इस्तेमाल होता है। तो अभी एक लफ्ज़ दरियाफ्त हुआ है कि वो रे से शुरू होता है, तो वो लफ्ज़ है डंगा। डंगा एक ख़ास किस्म का घुंघरू घंटा होता था जो बैलगाड़ियों के नीचे बंधा होता था, तक बजता रहता था लगातार ताकि लोग आगे से हट जाएँ। और जो बाकी हरफों लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है डे, उनमें सबसे टॉप ऑफ लिस्ट है पहाड़, फिर सड़क, फिर कड़क यानी मजबूत, और इसी तरह घोड़ा, गाड़ी और घड़ी जैसे अल्फाज में डे का हर्फ इस्तेमाल होता है। तो ये डे की पहचान है, डे की आवाज़ है, इसको समझें, याद करें। कल मिलते हैं एक नए हर्फ के साथ, नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो, आज का सबक अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। शुक्रिया।